हाय, कैसे हैं आप सब? मैं श्वेता बरेली से। आई थिंक सब मुझे जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वाइट क्रीमी। क्रीमी पनीर मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी करी है। अमूल बटर मैं यूज़ करने वाली हूँ, फ्रेश क्रीम अमूल की ये मैंने रखा हुआ है, काजू थोड़ा सा चकला बेलन पे वो करके, प्याज है मेरे पास, पनीर है, अदरक लहसुन मिर्ची, मिल्क मैं डालूँगी। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन रख लिया है, मैं इसमें घी डालूंगी, थोड़ा सा घी मैं डालूंगी, थोड़ा बटर डाल रही हूँ साथ में, बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इनहैंस होके। बटर 2 टेबल स्पून होगा मेरा। थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ, 1 लौंग डाल रही हूँ, देन मैं इसमें लहसुन चॉप, जिंजर चॉप। तब तक मैं मिल्क निकाल लेती हूँ। जिस हिसाब से मैं डालूंगी उतना मैं क्वांटिटी बताते चलूंगी आप लोगों को। ये सौते हो गई है, पिंक हो गया है, इसमें हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, देन ओनियन कटा हुआ बिल्कुल चॉप ये मैंने डाला, ये मैंने इसलिए आप सबके सामने रखा है कि आप देख पाओ कि मैंने इसको कैसे किया है। बस इसको चकले बेलन से ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनानी, नथिंग, ना बॉर्डर बनाना है। ये हल्का पिंक हो गया है, हम हल्के पिंक में ही डालेंगे काजू का पेस्ट जो मैंने दरदरा पीसा है, जो कि चकला बेलन पे ही है, उतना ही करना है कंसिस्टेंसी, इसलिए ये 10 काजू के हिसाब से होगा। ठीक है, ये 2 सर्विंग बना रही हूँ मैं। ये तब तक थोड़ा सा सौते हो जाए, तब तक हम लोग ये 1 टमाटर मैंने लिया है, इसको आप ऐसे ही करिएगा कद्दूकस करके। उसकी ग्रेवी ही चाहिए मुझे। सौते हो रहा है, बहुत अच्छा कलर आ रहा है, लाइट ब्राउन हम होने तक का करेंगे इसको।
देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये टमाटो हो गया है, एक आप टमाटर ले सकते हैं, इनफ है। दो सर्विंग के लिए एक टमाटर इनफ है हमारा। ये हल्का गोल्डन हो गया है, देन हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो अभी आपके सामने बने बनाया है। थोड़ा सा आधा कप भी नहीं है, दो टेबलस्पून पानी होगा बस, इतना मैंने डाला है। मैं सॉल्ट डाल देती हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें मैं ऑर्गेनो डाल रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हो। ये मैं ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा ये हाफ कप मिल्क है उसका मैं डालूंगी, इसको अच्छे से चलाऊंगी। मैं मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाली है इसमें, मैं पनीर डाल रही हूँ इसमें, आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है, लाइट पिंक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कलर कैसा आया है। फाइव मिनट्स में इसको चला रही हूँ, चलेगा थोड़ा सा। आप चाहो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। बहुत इजी है, ये बन जाता है जल्दी, इसको ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता है। ऑयल स्प्रेड हो रहा है इसमें, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। अब गैस बंद करके मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। दो तीन टेबल स्पून तक आपका इसमें क्रीम डाल रहेगा। ये बन गया है,
ये रेडी है। अगर आप चाहो तो ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हो। बीमी पनीर हम लोग का तैयार है। तक मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही जल्दी रेसिपी ये बन जाती है। ये देखिए हमारा क्रीमी पनीर तैयार है, गार्लिक क्रीमी पनीर। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप ट्राई करोगे। बहुत इजी है, ज़्यादा टमाटर मुझे यूज़ नहीं इसमें करना होता है। एक्चुअली काजू का पेस्ट जो मैंने बनाया था दरदरा वही डाला है। इसमें मैंने अमूल क्रीम एंड अमूल बटर का यूज़ किया है। थैंक यू अमूल जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों तक ये अपनी रेसिपी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। जल्दी मैं आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेके आप लोगों के पास। थैंक यू सो मच।